वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया था, और थोड़ा सा प्याज, मिर्च और तेज़पत्ते और थोड़ा सा लौंग और मिर्च और टमाटर को हमने चॉप्ड कर लिया है, और हमने आलू कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इसे प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको थोड़े से ऑयल में सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल डाल करके फिर उसके बाद हम इसके अंदर आलू को भी फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी हम बना रहे हैं, तो आलू को भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर आप देख सकते हो हमने आलू को भी फ्राई कर लिया, इसे बाहर हम निकाल लेंगे प्लेट में। फिर उसके बाद हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल डाल करके आपको अच्छे से, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर दो तेज़पत्ता, आप देख सकते हो तेज़पत्ते को ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद छोटी इलायची और लौंग को डाल करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम प्याज डालेंगे, प्याज को भी अच्छे से ब्राउन भून लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको प्याज को भी भून लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद हम कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर मसाले को डाल करके अच्छे से इसे मसाले को हम भून लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ढक करके धीमे फ्लेम में ही मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। आप मसाले को जितना ही अच्छे तरीके से भूनोगे, आपकी सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट बन करके और तैयार होगी। तो आप देख सकते हो सब्जी का मसाला आपको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। फिर इसे हम अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद हम सोयाबीन और आलू वगैरह को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और मसाले में ही उसको थोड़ी देर भून लेंगे, 5-10 मिनट तक। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको धीमे फ्लेम में ही अच्छे से भून लेना है सारी चीज़ों को डाल करके। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से मसाले को और सारे सोयाबीन वगैरह आलू को सबको अच्छे से आप पका लोगे। फिर उसके बाद हम 2 गिलास तक पानी डाल देंगे, और पानी डाल करके इसे हम उबलने देंगे 5-10 मिनट तक। आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है, और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है।